गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एक रोमांचक सफ़र किलोंग से लेह तक का बस से। सुबह के 3 बजे हैं और हम लोग डॉर्मेट्री में उठ चुके हैं, तैयार हो रहे हैं बस पकड़ने के लिए। बस की टाइमिंग 5 बजे से है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है कि हम लोग 3 बजे ही उठ गए हैं। हमारी डॉर्मेट्री बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट में है और डॉर्मेट्री से बस स्टैंड क्लियर दिख जाता है किलोंग बस स्टैंड। यहाँ से बस जाएगी लेह के लिए। और सुबह के 4 बज गए हैं और हम लोग अभी किलोंग बस स्टैंड पे हैं। बस हालांकि जाएगी 5 बजे, लेकिन सब लोग अभी ही तैयार हो गए हैं। कुछ लोग तो अभी उठे ही हैं और हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, इसलिए जल्दी उठ गए। यही है 2051। चलो जाओ। तो हमारी बस कुछ ही देर में खुलने वाली है। ये सरकारी बस सेवा है और ख़ास बात यह है कि इसका सफ़र बेहद ही किफ़ायती है। टिकट की कीमत लगभग 600 से 700 रुपये के बीच है, जो इस शानदार सफ़र के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए तैयार हो जाइए खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों के सफ़र के लिए। तो हमारे सामने एक बहुत बड़े यूट्यूबर ट्रैवल विद सुमित है, जो स्टैंडिंग में किलोंग से लेह के लिए जा रहे हैं। उनको बस चैनल्स के लिए वीडियो बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं देख करके मैं हैरान हूँ। 12 से 15 घंटे का सफ़र ये खड़े होकर के करना कोई आसान काम नहीं है। बस में हर तरह के यात्री हैं। कुछ यात्री लद्दाख घूमने जा रहे हैं मेरी तरह, तो कुछ लोग अपने गाँव लौट रहे हैं। ये सफ़र आपको हिमाचल और लद्दाख की स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराता है। लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब अपने अपने सफ़र की कहानियाँ बाँट रहे हों। हमारी यात्रा का शुरुआत हिमाचल के हरे भरे पहाड़ों से लेह के बंजर पहाड़ों पर जाके ख़त्म होगी। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और बाहर का मौसम एकदम सुहावना है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा का आनंद कुछ और ही है। किलोंग को पीछे छोड़ते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में हमें छोटे छोटे गाँव दिखाई देते हैं। बस के सफ़र का अनुभव पहाड़ों में कुछ अलग ही है। थोड़ी थोड़ी देर में चहल पहल हो जाती है और फिर कुछ देर के लिए काफ़ी सन्नाटा बस में छा जाता है। जो नए यात्री हैं, जो पहली बार लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, वो हिमाचल से लेह के लिए टूर के लिए आए हैं, वो बाहर के नज़ारों में एक लीन हो चुके हैं और जो लोकल है वो आराम से नींद खींच रहे हैं। तो अभी हम लोग दारचा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा मोबाइल का नेटवर्क लास्ट दारचा तक ही होगा, उसके बाद फिर जा कर के लेह में ही हमें नेटवर्क मिलेगा और भी वहाँ के लिए अलग से सिम लेना पड़ सकता है। तो पिछले बार जब 2 दिन पहले यहाँ सफ़र कर रहा था, तो ये सारे जो पहाड़ दिख रहे हैं वो हरे भरे नहीं थे, सब बर्फ़ से ढके पड़े थे और आज अचानक पूरा बर्फ़ गायब हो चुका है। तो यही खासियत है हिमाचल के पहाड़ों का, कभी बर्फ़ से ढके होते हैं तो कभी हरियाली होती है तो कभी सूखा होता है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं बारालाचा ला पास। ये लगभग 16,000 फीट की ऊँचाई पर है और यहाँ का तापमान हमेशा ठंडा रहता है। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ और तेज़ हवाएं आपको रोमांचित कर देती है। बारालाचा ला की ऊंचाई 4,890 मीटर है और यह मनाली लेह हाईवे पर स्थित है। किलोंग और सरचू के बीच पड़ने वाला यह दर्रा इस यात्रा के दौरान देखने वाले मुख्य आकर्षणों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की शानदार बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखने को मिलता है। बारालाचा ला पास हिमालय की जैंसकर रेंज का हिस्सा है और यह 3 घाटियों को जोड़ता है, लाहौल, स्पीति और जैंसकर। यहाँ से भागा, चंद्रा और यमुना की सहायक नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी खतरनाक मोड़ और संकरे रास्तों से गुजरना होता है, जो इसे साहसिक पर्यटकों के लिए रोमांचक बनाता है। यहाँ का रास्ता बर्फ़ से ढका रहता है और तापमान भी हमेशा ठंडा होता है। गर्मियों में यह दर्रा खुलता है और अक्टूबर से मई तक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा, इस दर्रे के चारों ओर का दृश्य, यहाँ चल रही सर्द ठंडी हवाएं और बर्फीली चोटियाँ इसे एक अनोखा और जादुई एहसास देती हैं। बारालाचा ला पास मनाली लेह यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसे दर्रों का दर्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य महत्वपूर्ण दर्रों को जोड़ता है। इस जगह पर रुकने या ठहरने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर यात्री के लिए यादगार होता है। इस पास पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इसीलिए ऊंचाई से संबंधित समस्या, हाई सिकनेस, अल्टीट्यूड से बचने के लिए
लगातार पानी पीते रहें और धीरे धीरे चलें अगर आप यहाँ पे उतरते हैं तो। यह पास न केवल लद्दाख और हिमाचल के बीच का एक मार्ग है बल्कि यह साहस, खूबसूरती और हिमाचल की शांति का प्रतीक भी है। वाह, ये स्नो गैलरी मैंने YouTube वीडियोस में देखा था, फिल्मों में देखा था, आज रियल लाइफ में पहली बार देखने को मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी बस कुछ देर के लिए रुकी है, आगे रास्ता बंद है, ड्राइवर साहब ने बोला कि जाओ घूम लो। अभी बारालाचा से हम लोग पीछे ही हैं, लगभग 6-7 किलोमीटर पीछे हैं। तो ये देख करके लग रहा है कि वाओ क्या सीन है, सारे बर्फ पहाड़ की चोटी, सारे पहाड़ बर्फ़ की चादर से लदी हुई है और यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, हाथ मेरे कांप रहे हैं और सूखी हवा चली, धूप निकलने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी गाड़ी रुकी है कि मैं पीछे दिखा नहीं सकता हूँ, सभी टॉयलेट करने के लिए उतर गए हैं, सब बर्फ़ के ऊपर ही टॉयलेट करना शुरू कर दिए हैं। तो सुबह 5 बजे हम लोग किलोंग से चले थे, बस एग्जैक्ट टाइम पर चलना शुरू कर दी थी और अभी हम लोग बारालाचा के पास पहुंच चुके हैं। तो इस बीच हम लोग अभी जिस्पा दारचा पार करके, दारचा में एक चेक पॉइंट है जहां पे फॉरेनर सबको डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और लोकल का डॉक्यूमेंट नहीं चेक करते हैं जनरली। तो दारचा के बाद फिर दीपक ताल आता है और फिर झिंगझिंग पास और उसके बाद फिर ये बारालाचा। तो फिलहाल अभी तक जर्नी यही है, आगे बस रुकी हुई है और अभी हम देख ही रहे हैं कहाँ पे हैं, स्नो गैलरी के बीच में और सामने सारे बस से पैसेंजर उतर के हल्के फुल्के हो रहे हैं। तो बस रुकते ही ये नज़ारा शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, सामने बर्फ के साथ हिलवाड़ शुरू हो गई है और सामने धूप काफ़ी तेज़ निकली है लेकिन धूप का कोई असर नहीं है हमारे ऊपर। और वाह 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 वाह, बर्फ से खेलना शुरू भैया, इससे खींच के क्या। और ये रही हमारी बस रुकी हुई, आगे की रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दूर आगे सूरज ताल है तो चल के देखा जाए। इतने में बादलों जो हैं वो पहाड़ों के साथ अटखेलिया कर रही हैं यहाँ पे। तो हमारे साथी लोग आगे जा चुके हैं, शायद सूरज ताल के पास होंगे। दल के बीच पहाड़ों की घिरी हुई, बर्फ के पहाड़ों के साथ घिरी हुई पहली बार देखना। और हमारे साथ एक और यूट्यूबर है, ट्रैवल विद सुमित, वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और नीचे का नज़ारा, अरे वाह 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 वाह, ये बर्फ की चट्टान काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, पता नहीं कितने देर में ये साफ होगी। लगता है कि आज पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगी लेह में। अब बीआरओ वाले आते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं। और ये कोई लेक नहीं अब बल्कि सूरज ताल यही है। मुझे लगा कि बर्फ़ पिघल करके यहाँ पे पानी हो गया है लेकिन ये सूरज ताल है और सूरज ताल लेक है जो कि। तो कुछ टीम है बीआरओ की और कुछ आर्मी के कन्वॉय भी हैं, वो सारे मिल करके हाथ से ही बर्फ़ को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने ज़्यादा बर्फ़ है, जितना ज़्यादा बर्फ़ है वो लगता नहीं है कि आज दिन भर में इतने लोगों से हो पाएगी। मशीन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर 4-5 घंटे में क्लियर करना है तो। और ये बड़ी बड़ी बर्फ़ की टुकड़े नीचे खिसक रहे हैं और यहाँ भी संभावना है कि बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो नीचे की तरफ गिरे, इसीलिए हमारी बस और पीछे की तरफ लगाई है। ये ऐसे बर्फ़ नहीं है, काफ़ी भारी बर्फ़ है। मैंने इसे छोटे से टुकड़े को सोचा कि लाश से घिसका दूंगा लेकिन ये खिसका नहीं अपने जगह से, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है इसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी होगा।
सांप हिल नहीं रहा है। वाह गया। गिरा दिया आखिरकार। तो आखिरकार जेसीबी आ ही गई। 11 बजे हैं और अभी आई है जेसीबी। ये हो रही है रोड की सफाई। बर्फ की परत देखो भाई कितनी मोटी है, 4 फीट से कम की नहीं मोटी होगी। 1 घंटे में साफ हो जाएगी और 12 बजे हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। उम्मीद तो है। तो अभी अभी बारालाचा हम पास से निकले ही थे कि फिर आगे चल करके अब एक गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में। तो आज का लगता है किस्मत ही ख़राब है। गाड़ी में बैठे जितने भी पैसेंजर हैं सबका चेहरा उतर गया है, टायर्डनेस और सैडनेस उनके चेहरे पे नज़र आ रही है। सारे के सारे दुखी मन से लग रहे हैं। अब ऐसी जगह गाड़ी ख़राब हुई ना, गाड़ी तो अपनी गाड़ी ठीक है लेकिन दूसरे की गाड़ी ख़राब है जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो रखा है। सब अभी बर्फ़ के पानी को जमा कर रहे हैं बोतल में पीने के लिए। ये सामने देखिए ये सब जो बर्फ़ से पिघल के पानी आ रही है उसको बोतल में जमा कर रहे हैं पीने के लिए। तो मैंने भी अभी बर्फ़ को बोतल में रख करके कुछ पानी को पिघलाया और फिर पीने लायक बनाया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था पीने के लिए। और ये बारालाचा पास के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है। और सामने हमारी बस लगी हुई है। अब इसमें बैठे सारे पैसेंजर का चेहरा तो नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, लेकिन मुझे दिख रही है कि उनके चेहरे पे हताशा नज़र आ रही है, उदासी और सैडनेस नज़र आ रही है। सामने ही कहीं पे गाड़ी आगे ख़राब है और ऑक्सीजन इतना कम है यहाँ पे कि सबके सांसें फूल रही हैं। पानी भी किसी के पास नहीं है। जब से चले हैं सुबह से तब तक अब तक एक भी दुकान नज़र नहीं आया है। अब ड्राइवर साहब ने बोला है कि सरजू के पास रुके जाएंगे लंच के लिए, और इसी बीच अभी 1 बजने वाला है तो सारे लोग भूखे प्यासे अभी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही हम बारालाचा ला पास को पार करते हैं लद्दाख की तरफ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। पहाड़ों का रंग मटमैला और भूरा हो जाता है। ये बदलते हुए नज़ारे किसी पोस्ट कार्ड की तरह लगते हैं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य देखने को मिलता है। बारालाचा ला से जैसे ही आगे बढ़ते हैं सामने फैले ऊंचे बर्फीले पहाड़ और गहरी घाटियां दिखाई देने लगती हैं। चारों ओर ठंडी हवा और पहाड़ों का नज़ारा आपको एक अलग ही एहसास देता है। इस सफ़र में नज़ारे लगातार बदलते रहते हैं और हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती का दीदार होता है। यह रास्ता काफ़ी संकरा और ऊँचाई पर होने की वजह से जोखिम भरा भी है, लेकिन यही रोमांच का हिस्सा है। सफ़र के दौरान ड्राइवर काफ़ी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं क्योंकि यहाँ के मोड़ बहुत तीखे हैं। चारों तरफ फैली बर्फ़ की चादर और सफ़ेद चमकती हुई पहाड़ियाँ देखने लायक है। अब हम सरचू की ओर बढ़ रहे हैं। इस रास्ते पर चलते हुए पहाड़ों का रंग भी धीरे धीरे बदलते जा रहा है। जहाँ बारालाचा ला पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी वहीं सरचू के पास आते आते पहाड़ के रंग मटमैले और भूरे होते जा रहे हैं। यह बदलाव देखना वाकई अद्भुत है और यही हिमालय की खूबसूरती भी है। Just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
सरचू का यह एक हेलीपैड है। अभी हम लोग सरचू प्लेन, जिसे सरचू मैदान भी कहा जाता है, पहुंच चुके हैं। समुद्र तल से 4290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सरचू हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के बीच का एक मुख्य पड़ाव माना जाता है। सरचू के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक खुला मैदान। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। दूर दूर तक फैले मैदान और आसपास की पहाड़ियाँ इसे एक अनोखा दृश्य प्रदान कर रही हैं। यहाँ का वातावरण शांत और सौंदर्य से भरपूर है। सरचू में यात्री अक्सर रात बिताते हैं, क्योंकि यह मनाली लेह मार्ग पर एक प्रमुख पड़ाव है। यहाँ कई कैंप साइट्स हैं जहाँ यात्रियों के लिए टेंट और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। सरचू को लद्दाख जाने वाले ट्रेकर्स और बाइकर्स के लिए एक बेस कैंप के रूप में भी देखा जाता है, जहां से वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं सरचू पास। यहाँ पे चेकिंग चल रही है, जो बाइकर सब हैं, बस वगैरह है, उन सबकी चेकिंग हो रही है, कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और हमारे बस में भी एक जर्मन पैसेंजर है, फॉरेनर, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में फिर से चेक हो रही है। तो एक बार दारचा में चेक हुआ था और यहाँ पे सरचू पास में भी फिर से चेक हो रही है। और वो रहे हमारे जर्मन पैसेंजर, फॉरेन पैसेंजर, जो इनकी डॉक्यूमेंट अभी चेक हुई है। सरचू पास के पास खरदुंगला रेस्टोरेंट एंड होटल में रुके हैं हम लोग। बस यहाँ पे लगी है और दिन के 3 बज रहे हैं। आज तो 5 घंटा 12 लाचा पास में ही बीत गए वहाँ पे इंतज़ार करते करते। एक तो बर्फ़ गिर गई रोड पे और दूसरी एक आर्मी की गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से सबका हालत ख़राब। और अभी जा करके हम लोग का लंच हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए अलविदा।